तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग और रेंज की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बताया था कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम बताएंगे कि किसी सेल के ऊपर कोई डेटा कैसे एंटर करेंगे। ये आज की हमारी क्लासेज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी रेंज के ऊपर कुछ टाइप करना है, रेंज के ऊपर कोई भी एक चीज टाइप करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए कोड होता है रेंज, रेंज का एड्रेस A1 और वैल्यू, और इस पे आप अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि नेम वगैरह जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि रेंज यहां पे B1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आप देना चाहे, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। तो फॉर्मूला कीजिए या रेंज कीजिए उससे कोई फॉर्मूला कीजिए या वैल्यू कीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप डायरेक्ट लिख दें कि यहां पे कि C1 इक्वल टू ओके, तो रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, B1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू C2 एंड C1 इक्वल टू मार्क्स हम निकल दिया ओके। अब इसमें एक चीज यहां पे आता है, दूसरी एक चीज आता है, आप किसी भी सेल पे वैल्यू डाल सकते हो लेकिन वो वैल्यू डलेगी सिर्फ एक्टिव शीट के ऊपर, एक्टिव शीट के A1, B1, C1 पे डलेगी। तो अगर मान पर्टिकुलर शीट पे डालना है तो उसके दो तरीका है। एक तरीका जो कल मैंने बताया था कि हम उस पर्टिकुलर शीट को एक्टिवेट कर लेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे, या दूसरा है कि इससे पहले हम उस सिटी का उस सीट का हम रेफरेंस दे देंगे। यहां पे लिखेंगे कि सीट्स और यहां पे देते हैं डेटा और यहां हम डॉट वैल्यू लगा देते हैं, सॉरी दे देते हैं, तो डायरेक्ट शीट पे चला जाएगा उसी तरह से। हाँ, तो डेटा शीट को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भेज देगा। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल में, जैसे दूसरे फाइल में भेजना है, तो अब यहां पे करेंगे बुक, यहां सॉरी वर्कबुक, वर्कबुक्स, और उस बुक्स का नाम आप दे सकते हैं बुक वन विद एक्सटेंशन, उसको एक्टिवेट करें, ठीक है। या फिर एक साथ इस तरह से इकट्ठे भी आप लिख सकते हैं, दोनों मीडियम यूज कर सकते हैं। ये तो रही बात सेल पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को टाइप करने का, लेकिन मैं चाहता हूं किसी और सेल की वैल्यू किसी और सेल पे, जैसे मैं चाहता हूं कि D1 की वैल्यू पे आ जाए, D1 की वैल्यू A1 पे आ जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे कि रेंज D1 डॉट वैल्यू, नहीं माफ कीजिएगा, जो रिसीवर वो पहले आता है और जो गिवर है वो इक्वल की दूसरी तरफ आता है, कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज D1 वैल्यू, तो A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू D1 डॉट वैल्यू, तो A1 पे जो वैल्यू होगी चली जाएगी। अगर A1 पे फॉर्मूला है तो उसका वैल्यू आएगा, जैसे 50 है, जस्ट यहां पे 50 शो करेगा। फॉर्मूला नहीं जाएगा, सही आपने बोला ओके। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे कर दिया, मतलब कि रिसीवर, जो रिसीवर है
उसमें वो वैल्यू लिखे, फॉर्मूला लिखे या फिर कुछ लिखे भी ना, तो भी वो डायरेक्ट वैल्यू को ही पिक करेगा। लेकिन जो गिवर है, गिवर के समय हमने डॉट वैल्यू किया तो जस्ट उसकी वैल्यू देगा, अगर मैंने डॉट फॉर्मूला किया तो फिर वो फॉर्मूला करेगा, तब क्या होगा इसकी फॉर्मूला को पेश करेगा। ठीक है, तो किसी सेल में। और दूसरी चीज यही भी है कि आप यहां भी सेम फीचर अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं एक ही बार बता दिया, हर बार में लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ ऑफसेट वाले पे, जो कि अभी भी बोला कि ऑफसेट में उनके साथ प्रॉब्लम है। तो चलिए ऑफसेट समझते हैं कि ऑफसेट का इस्तेमाल क्यों होता है। माफ कीजिए, मैसेज देखने लगा। अब इसमें हम बात करते हैं ऑफसेट की। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू टाइप करनी है, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते, जो ही बताया हमने। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज के अगली सेल वैल्यू में मैसेज रखना है, इसकी नेक्स्ट वाली सेल वैल्यू, तो A1 हमें पता है कि स्टार्टिंग पोजीशन A1 से है और मुझे लास्ट नेक्स्ट ब्लैंक रो में डालना है। लास्ट तक आने के लिए हमने बताया था आपको कि रेंज A1 डॉट एंड एक्सेलेस डाउन। तो यहां इतना से क्या होगा कि आप जो है डेटा के सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब मुझे जहां पे लास्ट में आया वहां से कर्सर को मूव करना है मुझे, ठीक है। अब यहां पे ऑफसेट लगाने की ए यहां पे है कि हमें नहीं पता कि लास्ट किस रो पे गया है, अब ये नहीं पता कि लास्ट किस रो पे गया है, तो यहां पे आपका ऑफसेट हेल्प करता है कि आप जहां पे लास्ट एड्रेस नहीं पता लेकिन जिस कोड के ये लास्ट गया है उस पे आप ऑफसेट लगा दें, और ऑफसेट के जरिए रो एंड कॉलम को नंबर के जरिए बताएं कि भाई इतना नंबर कॉलम, इतना नंबर रो आगे पीछे हो, प्लस में आगे होगा और माइनस में पीछे होगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने बता दिया। क्या होगा कि रेंज ए वन से एंड यहां तक लाएगा, ऑफसेट क्या करेगा क्योंकि ऑफसेट को हमने वन दिया है और जीरो दिया है, वन इट मींस रो एक रो नीचे आ जाएगा, जीरो मतलब नथिंग, तो कॉलम सेम रखेगा और यहां पे आपकी वैल्यू टाइप कर देगा, और जब भी वो कॉल रन होगा हमेशा नेक्स्ट वैल्यू पे ही जाएगा, हमेशा नेक्स्ट। किसी चीज के जरिए आपको एक के नीचे टाइप करवाना जैसे लाइक फॉर्म की तरह, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहां ब्लैंक है तो एंड यहीं तक रह जाएगा, तो उसके लिए हमने कल मेथड बताया था कि हम यहां पे ऊपर जाएंगे, हम यहां पे 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 रहा रिजल्ट, ठीक है। ऑफिस में आ गया आपको सर, स्वाद जी ऑफिस समझ में आ गया, स्वाद जी ऑफिस समझ में आ गया आपको, पता नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये बताया किसी एक पर्टिकुलर रेंज पे हम किसी वैल्यू को डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज पे, एक एक सेल पे। लेकिन मुझे अगर एक रेंज पे वैल्यू डालना हो तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि C1 से लेके C10 तक 20 लिखा आ जाए,
तो अब की बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस पे 20 लिखते हैं, फिर कॉपी करते हैं और फिर D1 से D10 जाके फिर पेस्ट करते हैं। ऐसी जरूरत नहीं, अगर सेम वैल्यू आप देना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि रेंज D1 से लेके D10 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 20। तो इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि आपको 20 ऐड हो गया। उसी तरह से मान लीजिए H1 पे 50 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि H1 का 50 इस पे सब पे आ जाए, तो मैं यहां 20 के जगह पे लिख देता हूं रेंज H1 डॉट वैल्यू या डॉट फॉर्मूला, जो मर्जी देना चाहते हो दे सकते हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें फॉर्मूला है, जैसे A1 प्लस 20 हमने कर लिया, अब मैं इसकी फॉर्मूला को इसमें पेस्ट करवाना चाहता हूं, तो डॉट वैल्यू के जगह पे हम करेंगे डॉट फॉर्मूला। अब मैं यहां पर रन करता हूं तो देखिए फॉर्मूला हुआ और ये फॉर्मूला अपने आप को इंक्रीज भी कर रहा है। मतलब कि कॉपी पेस्ट, अगर किसी एक सेल को कॉपी करके कई सारे सेल पे पेस्ट करना है तो उस केस में हमें कॉपी पेस्ट करने की जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू को लिखते हैं। अब बात आती है कि मेरे पास 3 सेल है, मुझे इसको कॉपी करके D1 से लेके D10 तक रखना है, तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए इसी चीज को हम यहां करते हैं। हम यहां लिखते हैं कि रेंज D1 से लेके D10 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज H1 से लेके H3 डॉट वैल्यू। अगर मैं इसको क्लिक किया, यहां देखिए अब इस केसेस में आपको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करते हैं तो कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए उसने एनए कर दिया। लेकिन बजाय सी बात है, अगर हम कॉपी भी करेंगे तो सिर्फ इतना ही पेस्ट होगा ना, मैं कॉपी किया और यहां पेस्ट किया तो इतना ही पेस्ट होगा ना, क्या सर? तो ये ऐसे बार बार पेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए रिपीटेशन या लूप की व्यवस्था हमें की जाएगी। या फिर हम कर सकते हैं एक तरीका, जैसे मान लीजिए मुझे 10 तक डालना है, तो हम यहां इसका इस तरह कोड लिख सकते हैं यहां पे। पहले हम तो कॉपी, एक बार हम कॉपी कर लेते हैं इसको H1 से H3 तक, तो हम यहां लिखेंगे रो कोड के H1 से लेके H3 डॉट वैल डॉट कॉपी, और फिर हम यहां देंगे रेंज D65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेस। तो ये क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, इसको 3 बार कॉपी पेस्ट करना है, तो इस लाइन को मैं 3 बार रख दूंगा, 1, 2, 3 तीन या 4 बार रख दूंगा, तो एक के नीचे इसी को रिपीट करके वो पेस्ट कर देगा, समझे? तो आप बोलेंगे सर मैंने कॉपी तो सिर्फ 1 बार किया, पेस्ट 3 बार क्यों किया? भाई सी बात है, 1 बार कॉपी करने के बाद हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं ना, तो इस केस में हम यहां पे दिया। तो किरण जी एंड सुहाग जी, कोई डाउट? हाँ हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा है, एक मिनट स्पीड पर, ठीक है मेरा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आपको? आपको समझ में आया?
बेसिकली हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले दिखाया एक कोड को लिखा, मतलब कि आप एक सेल, कई सारे सेल में एक सेल की वैल्यू को इजीली से पुट आउट करवा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कई सारे सेल्स को, कई सारे सेल्स पे अगर आप वैल्यू इक्वल करवाते हैं तो दिक्कत होती है। अगर सेल सेम है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दू SD3 तो ये कोड परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या है कि हमने क्या किया है कि 10 सेलों पे 3 सेलों की वैल्यू पेस्ट करवा रहे हैं, तो 3 सेल की वैल्यू तो पेस्ट हो जाएगी, बाकी 7 सेलों पे क्या होगा, वो ब्लैंक कर देगा, कर देगा, सॉरी एरर दे देगा। तो उस केस में आप जो है कॉपी, उसको कॉपी कर लीजिए और 3 बार पेस्ट करवा दीजिए, एक के नीचे एक के नीचे, इस ऑप्शन वाले मेथड से, ठीक है, समझ में आ गया। और सवाल जी आपको ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, इसमें क्या बोलते हैं ऑफसेट में, डाउट है क्या ऑफसेट में, कोई डाउट तो नहीं है ना, सुहाग जी किरण जी आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप वीडियो को देखें और जैसा उसमें मैंने बनाया है उसी तरह का बनाइए, लेकिन यहां पे मैंने एक छोटे से स्मॉल वे में बनाया है, आप उसको एक एक बड़े फॉर्मेट में बना के बताइए। हाँ अभी करना है, होम टास्क नहीं, अभी करना है, क्लास टास्क, ठीक है सुहाग जी।